दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले और पाए दुनिया भर की रोचक खबरें फटाफट। थैंक यू। दुनिया की विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह मकबरा मुगलकालीन शासन में अपनी बेगम मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवाया था, जो पूरी दुनिया में 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल संगमरमर के पत्थर से निर्मित है, जिसके कारण चांदनी रात में ताजमहल का सौंदर्य दुगना हो जाता है। कहा जाता है कि उस युग में ताजमहल को बनाने में 20-25 लाख रुपए खर्च हुए थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रुपए खर्च हुए थे। जिसका रीगा ने ताजमहल को बनाया था, उसको अपने प्यारे हाथ गंवाने पड़े थे। यह संगमरमर पत्थर से निर्मित ताजमहल शाहजहां और मुमताज के प्रेम की निशानी है, जिसे आज पूरी दुनिया वाकिफ है। बताया जाता है कि शाहजहां और मुमताज एक दूसरे इतना गहरा प्रेम करते थे, वो कभी पिछड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन एक दिन समय आ चुका था जब मुमताज बीमारी से पीड़ित शाहजहां से पहले चल बसी। तब शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था, जो आज पूरे विश्व में अपनी सफेदी से शाहजहां और मुमताज के प्रेम का प्रचार प्रसार करता है, उनके प्रेम की याद दिलाता है। ताजमहल की दर पर हर वर्ष लाखों करोड़ों की तादाद में सैलानी यहां आते हैं। दावा किया जाता है कि ताजमहल में मुमताज आज भी अपना आंसू बनाती है। जिस कक्ष में मुमताज को दफनाया गया था, उस कक्ष में आज भी अपने प्रेमी शाहजहां की याद में मुमताज रोती है। लेकिन हमारे मन में सवाल उठता है कि कोई स्त्री मरने के पश्चात भी अपने प्रेमी के लिए आंसू बहा सकती है क्या? क्या किसी की आत्मा मरने के बाद भी अपने प्रेमी की याद में तड़पती सकती है क्या? स्थानीय लोगों को कहना है कि रात के समय में मानो ताजमहल में से कोई स्त्री किसी दुख से आंसू बहा रही हो, ऐसी रोने की आवाज आती है। इसलिए इस घटना को शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी से जोड़ते हैं। लोगों का मानना है कि वह स्त्री कोई और नहीं मुमताज की आत्मा है, जो आज भी अपने प्रेमी शाहजहां की याद में अपना आंसू बहाती है। लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।